वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई नेम इज अमित वर्द किलोर एंड दिस इज द लेक्चर नंबर ट्वेंटी फॉर द इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत वेरी पर्टिकुलरली स्पीकिंग सेवेंथ एडिशन फॉर द पीपल आर एक्चुअली हुई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम इस सीरीज के द्वारा हमारे यूपीएससी में जो पॉलिटी प्रेलम्स और मेन्स में जो स्टैटिक सब्जेक्ट आता है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर ऑब्वियसली यूजिंग द एम लक्ष्मीकांत बुक एज दिंपलिसिटी में अगर आपको बजट के बारे में समझाने की कोशिश करूं तो so, बजट बेसिकली दो प्रकार के बिल होते हैं मतलब कि दी गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वो बड़ा सारा सा एक्सपेंडिचर करती हैं वो जो एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के सामने बताना पड़ता है एंड पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है उस एक्सपेंडिचर को करने की दिस होल प्रोसेस ऑफ दिस सिस्टम इसको बेसिकली बजट कहते हैं बजट इफ वी टॉक अबाउट इन सिंपलर टर्म्स इज बेसिकली सिस्टम ऑफ पासिंग टू बिल्स दो बिल्स हैं जो कि बजट uh, जिसको पास करने के प्रोसेस को बेसिकली बजट का पास करना कहते हैं अब हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा हमारे पास सामने के सारा का सारा क्लियर हो जाएगा अगर आपको लक्ष्मीकांत का पीडीएफ और अगर हम जो क्लासेस कर रहे हैं उसका पीडीएफ चाहिए सो वो बेसिकली इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है टी डॉट मी स्लैश अमित किलोर राइट right? उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको आपके यूपीएससी से रिलेटेड के लास्ट क्वेश्चन एंड मोर अगर लक्ष्मीकांत का पीडीएफ चाहिए या फिर ये वाली क्लास का पीडीएफ चाहिए बजट इन दी पार्लियमेंट लेट डिस्कसिंग अंडरस्टैंड हम इसकी छोटी सी समरी लेते हैं द बजट देखो बहुत ही ईजी कॉन्टेक्स्ट में हम बिल्कुल इसको सिंपल करने की कोशिश करेंगे जहाँ ताकि हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाए एंड देन उसके पास हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स होंगी हम उसके ऊपर से फिल कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन कि पूरे के पूरे साल में गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू कलेक्ट करती है राइट देर आर टैक्सेस विच गवर्नमेंट कलेक्ट फ्रॉम अस देर आर सम अदर थिंग्स जो कि गवर्नमेंट करती है और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कितना करती है और हर साल जैसे कि नेक्स्ट ईयर या फिर उसके मतलब एवरी ईयर गवर्नमेंट बेसिकली पॉलिसीज कौन कौन सी लेके आ रही है लाइक व्हाट आर दी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट नाउ ऑल नोज थिंग्स इस चीज को अगर आपको पता करना है तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द बजट इज बेसिकली इसी को शॉर्ट में बजट कहा जाता है अब जो ये प्रोसेस है जनरली बजट की प्रेजेंटेशन जो पार्लियामेंट में की जाती है दैट है फर्स्ट ऑफ फेबर एक फरवरी को हमने पहले पढ़ा था कि पार्लियामेंट के तीन सेशन होते हैं राइट द फर्स्ट वन जो फर्स्ट सेशन होता है साल में उसको कहते हैं बजट सेशन ये जनरली फरवरी के समय में होता है उसके बाद जो जुलाई अगस्त या सितंबर के बीच में कोई सेशन होता है उसको मॉनसून सेशन कहते हैं एंड देन वी हैव आल्सो लर्न कि एक लास्ट में नवंबर या दिसंबर में एक सेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट तो हर साल का जो पहला सेशन होता है उसको कहते हैं बजट सेशन एंड फाइनेंस मिनिस्टर जो देश के होते हैं वो एक फरवरी को पार्लियामेंट के अंदर एक डॉक्यूमेंट एक्चुअली में एक नहीं देर इज ए सबसेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बड़े सारे से डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं प्रोसीजर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट मतलब कि पार्लियामेंट में लॉ कैसे पास होता है नाउ बजट इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ लेजिस्लेशन मतलब कि ये भी एक प्रकार का लॉ ही है

फरवरी 2023 की बात करें तो एक फरवरी 2023 को भारत का बजट प्रेजेंट किया गया था गवर्नमेंट का जो बजट था वो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बेसिकली पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था हावेवर जो उसका काम था वो बेसिकली कम से कम पांच छह महीने पहले स्टार्ट हो जाता है जैसे कि ऑगस्ट या फिर सेप्टेंबर टू सो ऑगस्ट या फिर सेप्टेंबर टू में एक बजट का नोटिस निकाला जाता है जितने भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं जो भी मंत्रालय हैं उन सबके पास मैसेज जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि आप अगले साल आपके जो जो काम होंगे उन सबके एस्टिमेट्स या आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी उन सबको हमें प्रेजेंट करके दे दीजिए तो हर एक मिनिस्ट्री जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग की मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एविएशन मिनिस्ट्री ऑल दोज मिनिस्ट्रीज बेसिकली प्रेजेंट्स और प्रिपेयर्स अ चार्ट कि उनको अगले साल कितने पैसे की जरूरत है एंड ऑल दैट डेटा बेसिकली गोज टू दी फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके एक डॉक्यूमेंट बनाती है विच वुड बी टेक्निकली टर्मड एज दी बजट अब स्पेसिफिकली बजट के बारे में कॉन्टेक्स्ट वाले बात कर सकते हैं बजट के कॉन्टेक्स्ट में आपने एक और वर्ड सुना होगा इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे अब यूपीएससी एस्पिरेंट्स जानते हैं कि हमें जनरली हर साल जो भी इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है क्योंकि उसमें प्रिलिम्स और मेंस में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं और बजट उसको स्टडी करना पड़ता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें प्रिलिम्स में से पूछे जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे जनरली बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है Uh, या कभी कभी उसको दो या तीन दिन मतलब दर इज नॉट अ फिक्स डेट कि वो बजट से पहले आना जरूरी है पहले आया करता था अभी पिछले दो तीन साल से वो बेसिकली दो या तीन दिन यानी या फेब या, को भी बेसिकली किया जाता है है एक प्रकार की statement होती है कि पिछले साल इंडियन इकॉनमी ने कैसे परफॉर्म किया लाइक like, टैक्सेस uh, कितने थे इन्फ्लेशन कितनी थी लोन्स कितने लिए गवर्नमेंट ने दैट इज इस परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकॉनमी परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी एंड बजट इज बेसिकली फ्यूचरिस्टिक क्योंकि बजट अगर एक फरवरी 2023 को प्रेजेंट किया था तो ये बेसिकली अगले साल की बात कर रहा है यानी कि एक अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2000 फर्स्ट अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च ऑफ 2024 तक अब बजट के अंदर सबसे पहले एक बात समझते हैं जब फाइनेंस मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में आती है तो वो बजट में दो स्टेजेस होते हैं वो दो प्रकार से बजट को प्रेजेंट करेंगी सबसे पहले द फर्स्ट वन इज दिस कि बजट स्पीच पहले दिन वो देंगी एक बजट स्पीच एंड अनाउंसमेंट्स अनाउंसमेंट्स तो एक फरवरी को 11 बजे पार्लियामेंट में आके सबसे पहले वो एक बजट स्पीच देती हैं एंड देन शी मेक्स सर्टेन अनाउंसमेंट्स जो कि गवर्नमेंट की बेसिकली इस साल होने वाली पॉलिसीज के बारे में होते हैं कि गवर्नमेंट इस साल क्या करेंगी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या करेंगी ब्रॉडबैंड पे क्या करेंगी रूरल uh, इकोनॉमी में क्या क्या करेंगी अर्बन कुछ जो प्लान उनको डिस्कस करने होते हैं एंड द सेकंड वन इज बेसिकली बेसिकली कॉल्ड एज अकाउंट्स सो बजट में में स्पीच दो पार्ट होते हैं पहले वाला जब वो बोलेंगी तो एक प्रकार की एक जनरल बजट स्पीच है विच इज लाइक काइंड ऑफ गिवन ओवरव्यू और दूसरे वाला उसके साथ साथ वो कुछ अनाउंसमेंट्स भी करती हैं काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इस साल क्या क्या प्लान है गवर्नमेंट कहां कहां पर पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट ने क्या क्या करने का निर्णय लिया है एंड द सेकंड वन इज बेसिकली अकाउंट्स ये जो अकाउंट्स होता है इस अकाउंट्स को आप तीन तरीके से समझ सकते हैं बेसिकली इसके तीन सब पार्ट होते हैं ना नंबर वन इज रिसीट्स एंड नंबर टू इज एक्सपेंडिचर एंड नंबर थ्री इज बेसिकली ग्रांट डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब कि एक नॉर्मल तरीके से रिसीट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ से आएगा लाइक like, टैक्स से पैसा आएगा इनकम टैक्स से पैसा आएगा गवर्नमेंट कुछ लोन लेगी गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज दी है उसका पैसा कलेक्ट होगा सो so, वो बेसिकली सारा का सारा जो डिटेल होगी उसकी रिसीट्स में होगी देन गवर्नमेंट पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेगी उसका बेसिकली सारा का सारा जो डिटेल होगी वो एक्सपेंडिचर में होगा एंड देन दिल बी डिमांड फॉर ग्रांट्स डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब कि हर एक मिनिस्ट्री जिन्होंने पिछले अगस्त सेप्टेंबर दो से लेके

जब हम कंप्लीटली पार्लियामेंट में जनरली डिस्कस करते हैं तो ये सब का सब जो डिटेल है इसको वोट किया जाता है इसके ऊपर कि गवर्नमेंट ये खर्चा करेगी तो ये खर्चा आएगा कहां से वेल दैट मनी दैट एक्सपेंडिचर कम्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकती है गवर्नमेंट अंटिल अनलेस पार्लियामेंट गिवस एन अप्रूवल फॉर इट तो ये जो अप्रूवल है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आने के लिए इसके लिए एक बिल होता है जिसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल So, जो ये जितनी भी डिमांड ऑफ ग्रांट है जितना भी एक्सपेंडिचर की जो डिटेल्स फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले दिन पार्लियामेंट के सामने रखी थी इन सारी चीजों को एक अप्रोप्रिएशन बिल में लिखा जाता है एंड देन उसके ऊपर लोकसभा वोट करती है जब वो वोट हो जाता है passed, और उसके बाद जो अनाउंसमेंट थी कि जो कोई नए टैक्सेस थे कुछ और नए प्लान थे कुछ पॉलिसी चेंजेस थे उसको अप्रोप्रिय बिल के बाद एक और दूसरा बिल जिसको कहते हैं फाइनेंस बिल उनके अंदर लिखा जाता है एंड दैट बिल इज बेसिकली अगेन बाय पार्लियामेंट ये शॉर्ट अब इसमें से कुछ चीजें हमारे पास समझ में नहीं आई होंगी कुछ चीजें हमें अंडरस्टैंड नहीं होंगी लेकिन अभी इसको हम पूरा का पूरा जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ लेंगे बजट इन दी पार्लियामेंट के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं लेट्स टॉक अबाउट बजट इन दी पार्लियामेंट राइट उ बी एबल टू अंडरस्टैंड इट अब इसमें प्रिलियम्स के क्वेश्चन के क्वेश्चन आते हैं मेरी पर्सनल में दिस इज प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दी और पॉलिटी बुक ठीक है अगर ये समझ में आ गया इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे नॉन टेक्निकल है तो आज थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे बाकी कल में हम थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रेक्टेड रह भी सकते हैं ठीक है बजट का जो ऑफिशियल नेम है दैट इज कॉल इज दल फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रकार से सिनोनिम हुए सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो अगर आप पूर अगर पूरा का पूरा वर्ड पढ़ेंगे तो आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करोगे 111, 112, तो वहां पे वर्ड लिखा हुआ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली दैट इज जस्ट रेफरिंग टू दी बजट बजट जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा तो अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रोल एफ करके सर्च करोगे बजट वेल दैट विल नॉट फाइंड इट राधर उसकी जगह शब्द है एक टेक्निकल जार्गन वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आर्टिकल हंड्रेड में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट की रिस्पांसिबिलिटी है पार्लियामेंट के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दी गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना सो so, बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि अब इसको सिनोनिम समझे व्हेन आई एम सेइंग बजट यू मींस आई एम सेइंग एएफएस एंड व्हेन आई एम सेइंग एएफएस आई एम सेइंग बेसिकली द बजट बजट के अंदर सारी की सारी डिटेल होती है कि गवर्नमेंट के पास टोटल रेवेन्यू कितना आएगा रिसीट्स का मतलब जो हमारे पास आने वाली चीजें हैं और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इस साल एक्सपेंडिचर कितना करेगी यानी कि जो सारी की सारी चीजें हमारे पास जाने वाली है नाउ दिस बिगिनस ऑन द फर्स्ट अप्रैल एंड एंड ऑन दर्डी फर्स्ट मार्च तो जिस साल का बजट है जैसे कि 2023 हजार एक फरवरी को बजट इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया तो यानी कि 2023 हजार तेईस एक, एक अप्रैल दो हजार तेईस से लेकर इकतीस मार्च 2024 तक का है हजार so, उस साल का मतलब कि जिस साल बजट होता है उसके अगले वाले साल के अंदर की रिसीट और एक्सपेंडिचर बेसिकली उसके अंदर डिटेल दी जाती है इसके साथ साथ एक तो ये एस्टिमेशन होता है अगेन दिस इज एन एस्टिमेशन बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर क्योंकि अगले साल की बात कर रहा है एक्सपेंडिचर भी एक प्रकार से एस्टिमेट होते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री से एस्टिमेट मांगा जाता है कि इस साल कितना खर्चा होगा अगर वो कहते हैं पांच लाख करोड़ तो जरूरी नहीं है पांच लाख करोड़ रुपए का खर्चा होना हो सकता है वो पांच लाख पच्चीस करोड़ भी हो सकता है पांच लाख से कम भी हो सकता है बिकॉज इट इज एन एस्टिमेट बजट इसके साथ साथ देर आर अदर डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो सबसे पहले रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स इन दोनों के एस्टिमेट हो सकते हैं रेवेन्यू को नए नए रेज करने के नए टैक्सेस और कोई लोन गवर्नमेंट लेने के प्लान है वो भी बताया जाएगा एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर हर एक मिनिस्ट्री गवर्नमेंट का हर एक डिपार्टमेंट बेसिकली कितना कितना खर्चा करेगा अगले साल दैट इज ऑल उसके बाद क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर की एक्चुअल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर सो तेईस फर 2023 हजार तेईस की एक फरवरी को पिछले साल की एग्जैक्ट डिटेल्स भी उसके अंदर होती हैं कि एक्चुअल रिसीट और एक्सपेंडिचर टोटल कितने हुए हैं एंड रीजन फॉर एनी डेफिसिट और सरप्लस इन दैट ईयर अब 2022 में एक प्रकार से एस्टिमेट होगा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का तो जब 2023 का बजट आएगा तो उसकी एग्जैक्ट फिगर उस साल के बजट में दी जाएगी एंड दिल बी एन रीजन एक्सप्लेनिंग कि पिछले साल से कम था किस वजह से कम हो गया या ज्यादा था किस वजह से कम हो गया एंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी कहने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की अगले साल टैक्सेशन प्रपोजल्स क्या है अगले साल टैक्सेशन किस प्रकार से लगेगी टैक्स बढ़ेगा टैक्स कम होगा कोई रेवेन्यू है स्पेंडिंग कितनी होगी और अगर कोई नई स्कीम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है सो दैट वुड आल्सो बी गिवन इन द बजट नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड हम बजट पढ़ने के पहले एक सिंपल सी एक छोटी सी बात करते हैं कि दो से पहले दो बजट इंट्रोड्यूस किए जाते थे पार्लियामेंट के अंदर वन वाज कॉल्ड एज द नॉर्मल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अनदर वाज कॉल्ड एज द रेलवे बजट इस चीज को मर्ज कर दिया गया ये जो प्रैक्टिस थी ये 1924 में बिगिन हुई थी 1924 से लेके 2017 तक देश में दो बजट आते थे एक दो देश का जो क्या नाम है गवर्नमेंट का जो बजट था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन वाज अ सेपरेट रेलवे बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे बजट अलग करती थी और जनरल बजट अलग करती थी रेलवे बजट का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे मंत्रालय का जस्ट रेलवे मिनिस्ट्री थी उसका एक सेपरेट बजट आया हुआ करता था इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेलवे की रेलवे को कितना पैसा आया है और रेलवे के एक्सपेंडिचर हुआ करते थे एंड द लेटर उसके बाद बाकी जितने भी बचे हुए डिपार्टमेंट है सो so, रेलवे बजट जो था वो सेंट्रल या फिर जनरल बजट से उन्नीस में एक्वर्थ कमिटी रिपोर्ट के बेसिस पर नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर द द्रिल्स उन्नीस सौ इक्कीस में एक कमिटी थी एक्वर्थ कमिटी ए सी डब्ल्यू ओ आर टी एच इफ यू कैन सी इट प्लीज आई विल लुक एट इट आई डोंट नो वट आई डिड ओके फाइन वियर ओके एक्वर्थ कमिटी रिपोर्ट ओके वी जस्ट डिड समथिंग रॉन्ग वेटर सेट माई फेलोस

दिंग इज एक्वर्ड कमिटी इन नाइन हंड्रेड ट्वेंटी वन सजेस्टेड कि जनरल बजट और रेलवे बजट को अलग कर देना चाहिए एट दैट टाइम जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी दे एक्सेप्टेड दैट एंड सिंस इसी प्रकार से होता था हावेवर इन टू थाउजेंड सेवेंटीन वी फिगर दैट वी डोंट नीड टू डू दैट एनी मोर एंड बेसिकली चेंज दैट थियोरी तो अब एक ही बजट आता है जिसको कहते हैं जनरल बजट सो दो हजार सत्रह में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे बजट और जनरल बजट को बेसिकली कंबाइन कर दिया मिक्स कर दिया मर्ज कर दिया अब एक ही बजट आता है विच इज कॉल्ड एज द यूनियन बजट यूनियन बजट से रिलेटेड पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं एंड लिसन टू वन एंड वन ईच एंड ईच ओके एक एक को सुनना ध्यान से सबसे पहले आर्टिकल नंबर हंड्रेड एंड ट्वेल्व आर्टिकल नंबर हंड्रेड एंड ट्वेल्व यह कहता है कि प्रेजिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर शुड ले डाउन इन फ्रंट ऑफ द बोथ दाउस एक स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर फॉर दैट ईयर मतलब कि एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल एक में ये बोला है कि पार्लियामेंट के सामने एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी चाहिए द दिस इज टू गिव एनुअलियल स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ दी पार्लियामेंट

एज ए सेड बजट के अंदर स्पेसिफिकली दो चीजें हैं द फर्स्ट वन इज द स्पीच एंड अनाउंसमेंट्स और जो दूसरी चीजें हैं उसको कहते हैं अकाउंट्स राइट अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले रिसीट्स होती है गवर्नमेंट को क्या क्या रेवेन्यू आएगा उसके बाद दूसरा एक्सपेंडिचर होता है आई शो इट टू यू

अब हम ना पार्ट फिफ्थ छोड़ के आगे चले गए आर्टिकल 265 के अंदर ठीक है जो सेंट्रल स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं ना दैट क्लियरली सेज कि कोई भी टैक्स अगर लगाना है या फिर कलेक्ट करना है तो उसमें उसके लिए हम एक सेपरेट उसके लिए एक लॉ बनाना जरूरी है मतलब कि दैट दैट हैज टू फॉलो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश ए टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट आर्टिकल हंड्रेड एंड दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ टूडेज क्लास रीड इट अगेन पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कैनॉट इंक्रीज इट how is it possible we know that the tax do increase right हमेशा टैक्स या परमानेंटली उतना ही रहा है जितना नहीं हुआ दिस स्पेसिफिकली in इन context ऑफ the बजट ये बजट के context का सेंटेंस है इसका मतलब क्या है कि parliament can't reduce or abolish a tax तो जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करते हैं और बजट में नई अनाउंसमेंट होती है राइट right? उसके अंदर वो कुछ बोलते हैं कि इतना टैक्स होगा जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर जैसे कि अल्कोहल पे 25 परसेंट टैक्स लगाएंगे हम ठीक so, है सो फाइनेंस मिनिस्टर इज एन एग्जीक्यूटिव वो गवर्नमेंट के पार्ट हैं तो वो एग्जीक्यूटिव ने अगर बोला है कि वो 25 प्रतिशत टैक्स लगाएंगे तो अब इसको इंक्रीज नहीं कर सकता पार्लियामेंट वंस दैट बिल दैट बजट के जो अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल पार्लियामेंट के अंदर आ जाएंगे तो ये 25 परसेंट से बढ़ाया नहीं जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा कम किया जा सकता है पार्लियामेंट कैन एक्चुअली मतलब जब अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल को पास करे तो इसको कम कर सकते हैं ट्वेंटी की वजह ट्वेंटी कर सकते हैं ट्वेंटी कर सकते हैं पर इसको ज्यादा नहीं कर सकते वेरी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट सो रिमेंबर वन दिस स्टेटमेंट डज कम इन द प्रिलिम्स एंड इट विल कम वन डेन द प्रिलिम्स to be confused by it, and it is a correct statement. पार्लियामेंट बिल को इंक्रीज नहीं कर सकता है एग्जीक्यूटिव कैन विच विल बी शॉर्ट ऑफ डूइंग मतलब पार्लियामेंट ही बढ़ाएगा बाद में जाके क्योंकि वही लॉ पास करेंगे बट द स्टेटमेंट इज अ पर्टिकुलरली कॉन्टेक्टुलट्यूशन रिलेटिव रोल्स हाउस अब क्या होता है मनी बिल और फाइनेंस बिल जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड होता है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है डन इट। सेकंड, राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड ऑफ द ग्रांट्स। इट इज आल्सो द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा ये जो डिमांड ऑफ द ग्रांट बजट के अंदर होगी यानी कि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है इसके ऊपर जो बिल होता है मतलब इट इज बेसिकली कन्वर्टेड इन टू अ डॉक्यूमेंट दैट डॉक्यूमेंट वुड बी कॉल्ड एज कॉल्डन बिल एंड दैट बिल कैन ओनली बी वोटेड बाई बिल होता है दिस बेसिकली द बिल इज काइंड ऑफ मनी बिल हेंस इसी चीज को ये इस प्रकार से बोल रहे हैं कि राज्यसभा के पास पावर नहीं है वोट डिमांड फॉर द ग्रांट्स को बेसिकली वोट करने का वाई बिकॉज इट इज सॉर्ट ऑफ अ मनी बिल देन

एयरपोर्ट मिनिस्ट्री को एक नया एयरपोर्ट बनवाना गवर्नमेंट करती है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सैलरी एक्सपेंडिचर तो वो एक्सपेंडिचर भी इसके अंदर दिया होता है लेकिन जब एक्सपेंडिचर बजट के डॉक्यूमेंट में लिखा होगा तो वो दो सेक्शन में लिखा होगा एक तो एक्सपेंडिचर एंड अनदर द दार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या लिखा होगा चार्ज्ड उसके लिए एवियेशन मिनिस्ट्री ने मांगे दो सौ करोड़ रुपए ठीक है यह दो सौ करोड़ रुपए की जरूरत है लोकसभा विल वोट ऑन इटे दो 200 करोड़ रुपए तो एवियेशन मिनिस्ट्री को देने या नहीं देने हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी है वो भी लिखी होगी कि वो खर्चा है बेसिकली जो गवर्नमेंट को करना है बट दैट वुड बी रिटर्न इन दी चार्ज एक्सपेंडिचर और जो ये चार्ज एक्सपेंडिचर वाला पार्ट होता है बजट का इसको लोकसभा डिस्कस करती है दे कैन कैंडस इट लेकिन इसके ऊपर वोटिंग नहीं करती है ये ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि बेसिकली गवर्नमेंट यूज कर सकती है दैट इज इट एंड बजट सेल डिस्टिंग एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर बेसिकली जस्ट एन अकाउंटिंग सिस्टम एक्सपेंडिचर जो कि कंसोलिडेटेड फंड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है शेल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट अगेन द सेम थिंग दिस चार्ज दिस इज जस्ट अ टेक्निकल वर्ड टू मीन ऐसे वाला खर्चा जो कि गवर्नमेंट को कंपल्सरली करना है टू इंश्योर कि कुछ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस रहे जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए कैक के इंडिपेंडेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो पेंशन होती है हाई कोर्ट के जजेस की जो पेंशन होती है दोज आर नॉट वोटेड बाई दी लोकसभा नाउ लोकसभा कैन अप्रूव और रिफ्यूज एनी डिमांड और रिड्यूस द अमाउंट स्पेसिफाइड इन डिमांड बट कैनॉट इंक्रीज इट ये वही स्टेटमेंट है जो कि हमने टैक्स के कॉन्टेक्स में पढ़ी थी राइट right? जो कि टैक्स के कॉन्टेक्स में पड़ी थी सो वंस दी फाइनेंस मिनिस्टर सेज की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को पचास हजार करोड़ रुपए चाहिए अब इसको लोकसभा रिड्यूस कर सकती है या रिफ्यूज कर सकती है पर इसको इंक्रीज नहीं कर सकती है

द थिंग इज दैट कि अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमारा बजट सेवरल स्टेजेस में से गुजरता है जैसे कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट सेकंड जनरल डिस्कशन थर्ड इज बेसिकली द वोट ऑन अकाउंट द फोर्थ इज फिफ्थ इज द डिस्कशन ऑन द डिमांड ऑफ द ग्रांट द फिफ्थ इज द अप्रोप्रिएशन बिल द दिक्सथ इज द फाइनेंस बिल मतलब सो ऑन एंड ऑन जो भी डिस्कश जो भी है उन स्टेजेस में जो ये लास्ट वाली स्टेज होती है सेकेंड लास्ट अप्रोप्रिएशन बिल की जो स्टेज होती है अप्रोप्रिएशन बिल में ये लिखा होता है कि हर एक मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है When that stage is reached, उस समय कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता है पार्लियामेंट उससे पहले अगर कुछ करना चाहता है तो मे बी देर इज अट उसके बाद नहीं कर सकता है एंड लोकसभा कैन मेक एनी ग्रांट इन एडवांस विच इज कॉल्ड एज दी वोट ऑन अकाउंट यह आर्टिकल हंड्रेड एंड सिक्सटीन में लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं वट एक्सैक्टली ड वोट ऑन अकाउंट मीन देखो बजट अभी एक बात के लिए ध्यान रखिए कि एक फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है हर साल That has बिन द प्रैक्टिस सिंस 2018. ठीक है अब ये जो बजट है जैसे कि जो एक फरवरी 2023 को प्रेजेंट किया गया था इसका पर्पस है फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2023 से लेके थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च 2024 तक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के लिए परमिशन लेना गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के लिए परमिशन लेना अब यूजुअली जो बजट की डिस्कशन होती है दैट टेक्स टाइम मतलब उसको पास करने में कभी कभी समय लग सकता है राइट इट कैन टेक टाइम अब ये परमिशन देखिए 31 मार्च 2024 तक है सो फर्स्ट फरवरी 2023 को जब बजट पास हो रहा है तो पिछले साल की जो परमिशन थी सो दैट वुड पासिंग द बिल इन द बजट फ्रॉम पार्लियामेंट टिल थर्टी ऑफ मार्च टू जो कि पिछले साल ली गई थी एक फरवरी 2022 के बजट को पास करके गवर्नमेंट के पास परमिशन है 31 मार्च 2023 तक पैसा खर्च करने की अब इस टाइम के देखो अब अगला साल आ गया है लेकिन पिछले साल की परमिशन हमारे पास सिर्फ 31 मार्च तक है वट हैपन्स अगर इस साल का जो बजट है वो अभी पास नहीं हुआ हो और डेट आगे आ जाए जैसे कि वट है फर्स्ट ऑफ अप्रैल ऑफ टू इन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन जब इस साल का बजट पास नहीं हुआ है आर वी गेटिंग बट वी आर डूंगट्स रिपीट इट वॉन्स मोर ओकेट्स रिपीट इट वॉन्स मोर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वट इज वोट ऑन अकाउंट वोट ऑन अकाउंट क्या होता है ठीक है एक फरवरी दो हजार बाईस को एक बजट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहते हैं बजट अब सबसे शॉर्ट में बोला जाए तो बजट बेसिकली बजट का पास होने का मतलब है दो बिल पास हो गए दो बिल आर वन इज द अप्रोप्रिएशन बिल एंड बिल पहले अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है उसके बाद फाइनेंस बिल पास होता है जब ये दोनों बिल पास हो जाते हैं सो इट इज सेट कि बजट पास कर दिया है पार्लियामेंट ने ठीक है नाउ एक फरवरी 2022 को जब ये बिल पास हुआ था सो so ये जो दोनों हैं इसमें गवर्नमेंट के खर्चे लिखे हुए एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज लिखी हुई हैं, गवर्नमेंट के नए प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं पार्लियामेंट ने उसकी परमिशन दे दी पर इसका टाइम पीरियड क्या है वेल द टाइम पीरियड फॉर दिस इज बेसिकली फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू टू द दर्टी ऑफ मार्च टू दैट इज इट अब अगले साल नेक्स्ट ईयर ये दिस इज 2022 ये बात रही है पिछले वाले साल की बात कर रहे हैं अब अगले साल फर्स्ट फेब 2023 थाउजेंड को एक नया बजट आ गया दोबारा से हम दोबारा से एक नया बजट ले आएंगे एवरी ईयर दिस है एक नया बजट आया अगेन इसमें भी हमें अप्रोप्रिएशन बिल लाना है और इसमें भी हमें फाइनेंस बिल लाना है वट दिस बिल डू इज दैट कि दे बेसिकली अलाउ द गवर्नमेंट टू टेक मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सो so, ये दोनों एक्चुअली में हुआ क्या है कि अब गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा ले सकती है और टाइम पीरियड फर्स्ट अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक पैसे ले सकती है ठीक है सो so, पिछले साल फरवरी को हमने 31 मार्च 2023 तक सेटल कर दिया सब कुछ बट अब अगर ये बिल जो है सपोज कीजिए 31 मार्च 2023 से पहले पास ना हुआ हो व्हाट देन क्योंकि फर्स्ट अप्रैल 2023 को

इन द सेंस कि पहले पहलेर वॉज प्रैक्टिस की जो बजट हुआ करता था वो 28 फरवरी के करीब आया करता था जनरली जो बजट सेशन है उसके लास्ट वाले दिन 28 फरवरी को 28 फरवरी को बजट आता था काफी लंबा प्रोसेस है बजट आएगा उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होगी वोट ऑन ग्रांट होगा उसका अप्रोप्रिएशन बिल होगा उसका फाइनेंस बिल पास होगा सो so, जो बिल था वो जनरली फर्स्ट अप्रैल के बाद पास किया करते थे ठीक है तो फर्स्ट अप्रैल के बाद अगर वो बिल पास होता था सो वट हैपन्स ऑन द फर्स्ट ऑफ द अप्रैल सो so, इसका एक बीच में टिल बजट पास ना हो पार्लियामेंट एक सिस्टम करता था जिसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट वोट ऑन अकाउंट सो बजट यूजुअली पास हुआ करता था अप्रैल या मई में तो जो ये दो महीने बचे जिनकी परमिशन नहीं है गवर्नमेंट उसके लिए वोट ऑन अकाउंट पास करवा लिया करती थी सिर्फ उन दो महीने के लिए लेटर ऑन जब वो बेसिकली बजट पास होगा तो उसमें पूरी की पूरी एडजस्टमेंट हो जाएगी फिर दोबारा से समझाता हूं देखो क्या हुआ वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या है अब जैसे कि हम एक इमेजिन करते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री को छह लाख करोड़ रुपए की जरूरत थी छह लाख करोड़ रुपए डिफेंस मिनिस्ट्री ने मांगे एक फरवरी दो को बट दैट बिल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये वाला बिल पास होगा मई दो में ये वाला बिल मई दो में पास होना है तो वट द अप्रैल ऑफ मंथ एंड इन मंथ इन दोनों महीने में करेगी क्या डिफेंस मिनिस्ट्री उसका एक स्टॉप गैप सिस्टम अवेलेबल है दैट लाइक वोट ऑन अकाउंट इस वोट ऑफ अकाउंट में बेसिकली पूरे के पूरा जो बजट होगा क्योंकि दो महीने का है तो इसका मतलब बारह से निकाल देंगे तो वन बाय सिक्स तो वन बाई सिक्स की जो डिमांड होगी उसको वोट ऑन अकाउंट पे रख के उसको पास करवा लेंगे लोकसभा से सो so, छ लाख करोड़ है तो एक लाख करोड़ रुपए बेसिकली वन बाई सिक्स बिकॉज इट इज फॉर द टू मंथ्स छ लाख करोड़ मांगे हैं यानी कि बारह महीने में छह लाख करोड़ लगेंगे तो दो महीने में एक लाख करोड़ रुपए लगेंगे तो इस स्टॉप गैप मेजर को यूज कर लेते थे जब तक बजट पास नहीं होता था लेकिन अभी हंड्रेड एंड सिक्सटीन जो वोट ऑन अकाउंट है वो रिडेंडेंट है ट इन देंस की सिंस टू थाउजेंड ट्वेंटी बजट एक्चुअली में एक फरवरी को प्रेजेंट कर दिया जाता है सो so, हमारे पास इनफ टाइम होता है साठ दिन का पूरा का पूरा समय होता है बजट पास करने का तो हमें वोट ऑफ वोट ऑन अकाउंट करने की जरूरत नहीं है गेट द आइडिया ये भी और डिटेल में आगे आगे फिर से पढ़ेंगे तो विल एक्चुअली अंडरस्टैंड सो लेट्स कम ऑन दैट चार्ज एक्सपेंडिचर हमारे पास जो बजट है बजट के अंदर अलग अलग चीजें हैं बजट के अंदर देखेंगे तो रिसीट लिखी होंगी एक्सपेंडिचर लिखी होंगी डिमांड फॉर द ग्रांट अगर हम एक्सपेंडिचर वाले सेक्शन में जाएंगे सो दिल बी समथिंग कॉल्ड एज द चार्ज एक्सपेंडिचर चार्ज एक्सपेंडिचर में दो टाइप के एक्सपेंडिचर है बजट के अंदर द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड एंड द एक्सपेंडिचर मेड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विल गेट इट एक हम इसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट खोलते हैं बजट वाली इंडिया बजट सो वी ओपन द इंडिया बजट अगर आप बजट वेबसाइट पर जाते हो तो देखो यहां पर तीन चीजें मिलेंगी एक्सपेंडिचर बजट डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ देंट्रल गज वॉट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर बजट डिमांड फॉर द्रांट एंड द रिसीट बजट अगर हम इस एक्सपेंडिचर बजट में जाएंगे टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर वन इज दसॉलिडेटेड फंडर इज चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो जो ये चार्ज वाला है बात तो कर चुके हैं यह है क्या क्वेश्चन वेटिंग आपसे यह पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा एक्सपेंडिचर चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जैसे कि प्रेजिडेंट की जो सैलरी है प्रेजिडेंट की जो एम्बलेंट है जो भी एक्सपेंडिचर उनके ऑफिस से रिलेटेड होता है

जनरल ऑफ इंडिया यूपीएससी के जो मेंस the और चेयरमैन है उनकी सैलरी अलाउंसिस और जो पेंशन होते हैं कैग के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस होते हैं यूपीएससी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस होते हैं डेट चार्जेज फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल इंटरेस्ट सिंकिंग फंड रिडेम्शन चार्जेज अगर गवर्नमेंट कोई लोन लेती है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो इंटरेस्ट बेसिकली चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड है यानी कि उस पर पार्लियामेंट वोट नहीं करेगा एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिग्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर सुप्रीम कोर्ट ने आ, दस करोड़ रुपए का आ, कहते हैं फाइन लगा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट पे सो दे विल हैव टू पे एंड दे विल हैव टू शो इट कि ये दस करोड़ रुपए का हमें फाइन देना पड़ रहा है बट दैट वुड बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड एंड एनी अदर एक्सपेंडिचर जो कि पार्लियामेंट ने लॉ बना के डिक्लेयर कर रखा हो सो अ वेरी गुड प्रिलिम्स क्वेश्चन सिंपल सा है नीचे तीन या चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं एंड यू माइट हैव टू चूज कि इसमें से चार्ज कौन सा कौन सा खर्चा होता है चार्ज एक्सपेंडिचर कौन सा होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चलिए नाइट आई बिलीव यूल टू डू इट अब ये जो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट आज की स्लाइड है जब हमारा बजट की इनैक्टमेंट होती है या बजट पास होना होता है तो उसकी स्टेजेस हैं टोटल द फर्स्ट वन इज बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट तो हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी वो इस प्रेजेंटेशन की बात थी दिस प्रेजेंटेशन पहले ये 28 फरवरी को हुआ करता था 2008 के बाद अब 2018 के बाद अब ये एक फरवरी को होता है सो दिस ऑन फर्स्ट ऑफ फेबर एवरी ईयर फर्स्ट ऑफ फेबर को दो स्टेजेस में होता है पहले वाली स्टेजेस में बजट स्पीच होगी और अनाउंसमेंट होगी और दूसरे वाली में अकाउंट्स होंगे डन ठीक है एंड देन वंस इट इज डन ये बेसिकली जनरल डिस्कशन होता है दिस इज अ लॉन्ग डिस्कशन ये मतलब एक दिन का नहीं है मतलब कि दिस इज जनरल डिस्कशन द पार्लियामेंट और द लोकसभा पर से राज्यसभा डिस्कस इज बजट एक दिन दो दिन तीन दिन हफ्ता दो हफ्ता काफी लंबा रहेगा एंड देन बजट विल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाई द डिपार्टमेंटल कमिटीज़। पार्लियामेंट की अलग अलग कमिटीज़ होती है पार्लियामेंट में 24 स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं ठीक है स्टैंडिंग डिपार्टमेंटल कमिटीज़, जिसके अंदर 31 मेंबर होते हैं देर आर ईच कमिटी है are, 31 मेंबर्स 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा हर एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को स्क्रूटेनाइज या उनको कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर नजर रखने के लिए एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है सो लेट्स से कि गवर्नमेंट ने बजट में ये कहा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को सत्तर लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है उनको डिमांड ऑफ ग्रांट है उन्होंने मांगे हैं सत्तर लाख करोड़ रुपए तो सत्तर लाख करोड़ ज़्यादा तो नहीं हो गए सत्तर हज़ार करोड़ जितनी भी है मतलब काफ़ी सारे पैसे मांग लिए उन्होंने सो दे बी ए कमेटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए एक कमेटी होगी इकतीस लोगों की जिसमें 21 लोकसभा के मेंबर होंगे 10 राज्यसभा के होंगे मांगे किस बात के लिए नहीं ऊपर the वोटिंग होती है डिमांड फॉर ग्रांट के ऊपर हर एक के ऊपर वोट होगी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इतना पैसा मांगा तो लोकसभा उसके ऊपर वोट करेगी डिफेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मांगा है उसको वोट करेगी होम मिनिस्ट्री ने उतना पैसा मांगा उसके ऊपर वोट करेगी देन ऑल ऑफ दीज वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स इज बेसिकली कोलेटेड इन टू वन बिल दैट इज कॉल्ड एज द अप्रोप्रिएशन बिल और यह अप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा पास कर देती है एंड देन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है गवर्नमेंट ने जो टैक्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं गवर्नमेंट ने को, कोई जो नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की थी वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो फाइनेंस बिल में लिखी जाएंगी और यह लोकसभा पास कर देगी फाइनेंस बिल का पास होना बजट की इनैक्टमेंट का आखिरी पार्ट है मतलब कि उसके बाद यह है कि बजट पास हो गया ये जो दोनों के दोनों बिल होते हैं एन अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल दे बोथ आर मनी बिल ये दोनों के दोनों मनी बिल हैं काइंड ऑफ मनी बिल नाउ रिमेंबर द वर्ड हियर इज द फाइनेंस बिल इट इज नॉट फाइनेंशियल बिल हमने ये भी किया था फाइनेंशियल बिल कौन से होते हैं फाइनेंशियल बिल दो प्रकार के होते हैं फाइनेंशियल बिल वन

तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती थी आर्टिकल नंबर हंड्रेड एंड सिक्सटीन की विच इज लाइक वोट ऑन अकाउंट विच इज विच इज जस्ट ए स्टॉप गैप मेजर मतलब कि जब तक बजट पास ना हो तो मिनिस्ट्रीज को चलाने के लिए दो महीने का खर्चा कैसे निकलेगा वेल well, उसका मतलब है वोट ऑन दी अकाउंट ट वॉज गैप मेजर बट अब जरूरत नहीं पड़ती है आर्टिकल हंड्रेड एंड सिक्सटीन रिडेंडेंट हो चुका है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मंथ इलेक्शन ईयर में यूज होता है मतलब जिस साल लोकसभा के इलेक्शन होंगे वो उसमें यूज होगा अब उसकी जरूरत नहीं है, है? आ जाता एक फरवरी को ना बजट कैन ऑल्सो भी प्रेजेंटेड टू दाउस इन टू और मोर पार्ट एस प्रेजेंटेशन टेक प्लेस इच पार्ट शेल बी डेल्ट एज इफ इट वजट न लेस देर शेल बी नो डिस्कशन ऑफ द बजट ऑन द डे विच इट इज प्रेजेंटेड तो जिस दिन बजट प्रेजेंट होता है उस दिन कोई डिस्कशन नहीं होगी फाइनेंस मिनिस्टर स्टार्ट में बजट करते हैं तो एक स्पीच देते हैं उसको बजट स्पीच कहते हैं एट द एंड ऑफ द स्पीच ये लोकसभा में होती है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में आके बजट प्रेजेंट करेंगे बजट बेसिकली स्पीच के बाद राज्यसभा में भेज दिया जाता है नाउ राज्यसभा बजट पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन कर सकती है द टेक्निकली कांट वोट इट क्योंकि बजट इज एसेंशियली अप्रोप्रिएशन बिल एंड दस बिल

आई एंड एक्चुअली वांट टू कॉपी इट फाइनली सक्सेसफुली एबल टू डू इट देखो इट्स वेरी वीड टू अंडरस्टैंड इट बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली बजट मतलब कि बजट एक सिंगुलर डॉक्यूमेंट नहीं है बजट के अंदर एक एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसमें एक और डॉक्यूमेंट होगा जिसको डिमांड फॉर द ग्रांट कहेंगे देन 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 इज इज बिल 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 फाइनेंस फाइनेंस उसके अंदर को एक्सप्लेन करने के लिए उसके बाद 2003 में एक लॉ पास किया गया था उस लॉ के तहत कुछ प्रोविजंस हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फिजिकल पॉलिसी मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी सो ऑन एंड ऑन रिसीट बजट इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो कि बेसिकली

प्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट में फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी सो ऑन एंड ऑन देन एक अकाउंट्स होगा जिसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर होंगे इज में रिसीट बजट होगा बजट 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 एट अ अ इज शॉर्ट समरी ऑफ ऑफ इट आउटकम की की फीचर्स दी टू डॉक्यूमेंट्स मतलब दर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स एज अ बजट बेसिकली जो कि प्रेजेंट की जाएंगी अब यूजुअली एक और डॉक्यूमेंट है विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे यूजुअली इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ प्रोड्यूस किया जाता है ठीक है बजट के एक दिन पहले कभी कभी दो या तीन दिन बाद भी किया जा सकता है सो दॉट एक्सैक्टली वेरी फिक्स अब इट इज प्रेजेंटेड वन डे और फ्यू डेज बिफोर द प्रेजेंटेशन बाद में भी कर सकते हैं इट्स इट्स नॉट नॉट लाइक अ फिक्स पहले करना है नाउ दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड इट इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ द नेशनल इकॉनमी ये एक्चुअली में पिछले साल का है सो so, बजट के अंदर जो वो रिसीट एक्सपेंडिचर और डिमांड ऑफ ग्रांट है दैट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर ठीक है दैट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वो नेक्स्ट ईयर के एस्टिमेट है दिस इज वी दिस इज द मनी वी वॉन्ट दिस इज द मनी वी गो गोना गेट एंड दिस इज द मनी वट वीर गोना स्पेंड दिए इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल के बारे में बात कर रहा होता है कि यार पिछले साल में जो बजट आया था उसका क्या रिजल्ट है देश में इन्फ्लेशन कितनी थी जीडीपी कैसे बढ़ा एंड सो ऑल ऑल ऑफ डिटेल्स ये सारी की सारी चीजें हो गई सो इकोनॉमिक सर्वे एक प्रकार से गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है जो कि बजट के साथ ही आता है इसके ऊपर कोई पार्लियामेंट को वोटिंग वोटिंग नहीं करनी होती है इज जस्ट बेसिकली गिव्स द डिटेल्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू द पार्लियामेंट एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री नाउ द सेकंड वन इज बेसिकली द जनरल डिस्कशन नाउ दिस बिगिंस अ फ्यू डेज आफ्टर द प्रेजेंटेशन एक फरवरी को देखिए फिर तीन या चार फरवरी को लोकसभा बेसिकली डिस्कस करना पड़ेगा इट टेक्स प्लेस इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट दोनों हाउसेज करेंगे राज्यसभा डिस्कस तो कर ही सकता है बिल्कुल लास्ट यूज समटाइम्स थ्री फोर डेज वीक इट कैन एक्चुअली लास्ट फॉर द टू वीक्स ऑल्सो ठीक है नाउ लोकसभा कैन डिस्कस द बजट एज अ होल और एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल इन्वॉल्व बट नो कट मोशन कैन बी मूव वट इट मीन टू से अभी डिस्कशन होगी बजट के ऊपर सिर्फ डिस्कशन होगी एक स्टेजेस है जब हम डिमांड ऑफ ग्रांट करेंगे ना तो एक प्रोसीजर है कट मोशन का सो लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस कट मोशन कट मोशन का मतलब कि डिमांड ऑफ ग्रांट जैसे मिनिस्ट्री ने मांगे पचास हजार करोड़ रुपए एंड लेट से गलत है रजिस्टर दैट प्रोटेस्ट उसका एक प्रोसीजर है उसको कट मोशन स्टेज ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन नॉट बी डिस्कशन कैन नॉट बी डन ड्यूरिंग जनरल डिस्कशन Now, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जनरल डिस्कशन की जा सकती है ना ही बजट को बेसिकली वोट किया जा सकता है एंड जब भी वो डिस्कशन होगी एवरी डिस्कशन के बाद फाइनेंस मिनिस्टर चलिए नाउ वंस दैट थ्री और फोर डेज ऑफ डिस्कशन कैन गो फॉर वन वीक ऑल्सो कैन गो फॉर टू वीक्स ऑल्सो वन दैट इज डन देन द बजट इज बेसिकली सेंट टू दिपार्टमेंटल कमिटीज ठीक है आफ्टर दिनल डिस्कशन हाउसेज को एडज कर दिया जाता है कम से कम तीन से चार वीक के लिए एंड वन मंथ का समय होता है और ये वन मंथ का जो समय है ये वन मंथ स्टैंडिंग डिपार्टमेंटल कमिटीज जो होती हैं ट्वेंटी फोर हैं इस समय हमारे देश के अंदर ट्वेंटी फोर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं दे विल एग्जामिन एंड डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द डिमांड ऑफ ग्रांट ऑफ द मिनिस्टर एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ दैम सो होम मिनिस्ट्री ने कितना पैसा मांगा है उसके लिए एक स्टैंडिंग डिपार्टमेंटल कमेटी है अलग से इकतीस लोगों की वो डिस्कस करेगी इतना पैसा मांगा है क्यों मांगा है किस रीजन की वजह से मांगा है डिस्कस इट ऑल एंड देन प्रिपेयर रिपोर्ट वो सारी की सारी रिपोर्ट हर एक डिपार्टमेंटल कमेटी की चौबीस की चौबीस जो रिपोर्ट है वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को मिल जाती है जस्ट ट्रीविया थिंग जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज थी ये 1993 में बनी थी पहले 18 थी 2004 में इसको एक्सपेंड कर दिया गया था मेक पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर मिनिस्टर्स मच मोर डिटेल नवर दरस वंस दैट है चार हफ्ते में एक महीने का समय हो जाता है देन पार्लियामेंट इज कम्स एंड देन दे वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स क्योंकि अब सारी की सारी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज ने रिपोर्ट दे दी है नाउ लोकसभा टेक्स अप वोटिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स ये डिमांड आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज डिफेंस मिनिस्ट्री तो लोकसभा विल वोट ऑन इट कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने पांच लाख करोड़ रुपए मांगे ऑल राइट और नो

न ओनली भी डन बाई लोकसभा नॉट बाइंड पार्ट ऑफ द बजट मतलब की जब कोई मिनिस्ट्री होती है कुछ खर्चा ऐसा भी होगा ना जो कि चार्ज्ड वाला है तो उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है यह हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इट इज कन्फाइंड टू दोटेबल पार्ट चार्ज्ड वाला ऑटोमेटिकली पास किया ही जाएगा एक्सपेंडिचर जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होगा इज नॉट सबमिटेड टू द वोट इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड

We have seen it, right? हमने देखा कि इंक्रीज नहीं कर सकते हैं वो लेकिन वो रिड्यूस करने के लिए मोशन मूव कर सकते हैं ठीक है जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री को पांच लाख करोड़ रुपए चाहिए सो समी कैन इंट्रोड्यूस मोशन कि पांच लाख करोड़ नहीं कुछ और दो कुछ और दो दैट इज पॉसिबल नाउ एट दिस स्टेज सच मोशन आर कॉल्ड एज द कट मोशन पहले ही बताने से पहले मैं बता देता तो, हूँ अगर कट मोशन पास हो जाएगा तो टेक्निकली इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा कट मोशन बींग पास टेक्निकली मीन्स कि बेसिकली गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने ही बिल को इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने बोला कि डिफेंस मिनिस्ट्री को पांच लाख करोड़ रुपए चाहिए अगर कोई कट मोशन इंट्रोड्यूस करता है और वो पांच लाख की बजाय बेसिकली चार लाख करोड़ रुपए देने का कट मोशन है एंड इफ इट गेट पास्ट वट डज इट मीन इट टेक्निकली मीन्स कि भाई गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है सो एनी कट मोशन अगर पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाएगा सो so, इनकी यूटिलिटी कोई है नहीं टेक्निकली स्पीकिंग तीन होते हैं अभी बताता हूं तीन कौन कौन से हैं इनकी यूटिलिटी नहीं है बट दे आर यूजली यूज फॉर द डिस्कस तो होगा क्या आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए यूर इमेजिन योर सेल्फ इन पार्लियामेंट ठीक है इमेजिन इमेजन इन द पार्लियामेंट यूर डिस्कसिंग वोट ऑफ ग्रांट आज हो रही है सो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के ऊपर हो रही थी तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लेट्स से 50,000 करोड़ रुपीज मांगे थे एंड अज्यूमिंगली यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट कैन डू इज वट की यू कैन इंट्रोड्यूस पॉलिसी कट मोशन आपको पॉलिसी कट मोशन क्यों कहते कि हमने मतलब कि अगर यह पास हो जाता है तो इट मीन की वी डिसूव ऑफ दॉलिसी इट स्टेट दिमाड कैन बी रिड्यूस टू रूपीज वन देंबर्स कैन ऑल्सो एडवोकेट एन ऑल्टरनेटिव पॉलिसी तो पॉलिसी कट मोशन मतलब कि मुझे इस मिनिस्ट्री में जो गवर्नमेंट पॉलिसी फॉलो कर रही है वो पसंद ही नहीं है सो so, वो पचास हजार करोड़ रुपए मांग रही है नहीं उसमें एक रुपया दूंगा मैं अगर ये पास हो जाता है सो टेक्निकली गवर्नमेंट विल फॉल बट दिस इज जस्ट अ सिस्टम टू रजिस्टर योर प्रोटेस्ट दैट वी वॉन्ट टू डिसअप्रूव ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिसी सेकेंड इकोनॉमी कट मोशन इट रेप्रेजेंट द इकोनॉमी कैन बी अफेक्टेड इन द प्रपोज एक्सपेंडिचर इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड भी रिड्यूस बाई स्पेसिफाइड अमाउंट इसमें फिक्स होता है कि भाई पांच लाख करोड़ पचास हजार करोड़ मांगे तो उसको ना दस हजार करोड़ से घटा दो दैट इज कॉल्ड द इकॉनमी क्यों क्योंकि पचास हजार करोड़ से इकॉनमी पे खर्चा होगा और उसके बाद एक तीसरे वाला है टोकन कट मोशन इट वेंटिलेट्स स्पेसिफिक दैट इज विद इन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब होता है कि डिमांड को सौ रुपए से घटा दीजिए सो so, तीन है द फर्स्ट वन इज द इकॉनमी कट इकॉनमी कट का मतलब है कि पूरी पॉलिसी गलत है जितने पैसे मांगे हैं मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री ने उसको कंप्लीट करके एक रुपया कर दो सेकेंड वाली है इकोनॉमी कट सॉरी उल्टा कर पॉलिसी कट माय बैड यहां पे उल्टा लिखा हुआ पॉलिसी hmm. so का मतलब पॉलिसी उसको घटा के एक रुपया कर दो वन रुपीज इफ देट है कि पॉलिसी खराब है सेकंड इज इकोनॉमी कट इट मीनस की पचास हजार करोड़ से कोई स्पेसिफाइड अमाउंट कम कर दो पांच हजार करोड़ दस हजार करोड़ कर दो स्पेसिफिक अमाउंट एंड टोकन कट मतलब कि आई एम जस्ट शोइंग माई ग्रीवांस ठीक है पचास हजार करोड़ रुपए दे दो पर माई ग्रीवांस है उस को शो करने का एक सिंबॉलिक तरीका है कि इससे सौ रुपए काट लो इसके टोकन कट इज बेसिकली हंड्रेड रुपीज कट हंड्रेड रुपीज कट सो दीज आर थिंग्स अब ये यूजुअली कभी स्टैटिकली स्टैटिकली पूछा जा सकता है मेंस में कभी क्या नाम है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द बजट जब वो वोट ऑन ग्रांट की ग्रांट ऑफ दो क्या कहते हैं ग्रांट्स वोट ऑन ग्रांट हो रही होती है तो तीन कट मोशन यूज किए जा सकते हैं पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर और वो तीन कट मोट मोशन की अलग अलग डेफिनेशन है तो फर्स्ट वन इज पॉलिसी कट मोशन वट डाज द पॉलिसी कट मोशन मीन्स इट मीन्स कि जितने भी मिनिस्ट्री ने पैसे मांगे हैं जितनी भी उनकी ग्रांट है रिक्वायरमेंट है उनको रिड्यूस करके एक रुपया कर दो सेकेंड वन इज इकॉनमी बाई अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अमाउंट दस हजार करोड़ पांच हजार नाउ जब भी कोई कट मोशन होता है तो इट हैज पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कंडीशन एक ही डिमांड से रिलेटेड होना चाहिए क्लियरली एक्सप्रेस करो इट कुड बी कंफाइंड टू वन स्पेसिफिक मैटर्स नॉट दैट वेरी नेसेसरी इट शुड नॉट रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर चार्ज चार्ज वाले पे तो वोटिंग हुई थी नहीं तो उसको डिस्कस भी नहीं करते हैं इट शुड नॉट रेफर टू अ मैटर दैट इज नॉट कंसर्न ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट जिसका यूनियन गवर्नमेंट से लेना देना नहीं उसके ऊपर कट मोशन भी क्या करेंगे कोर्ट वाले से रिलेटेड नहीं होगा बट द थिंग इज दैट कि इन सारे के सारे कट मोशन ये तीनों की तीनों चीज करने का पर्पज क्या है सबसे पहले फैसिलिटेटिंग द इनिशिएशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड डिस्कशन ये डिस्कशन का तरीका है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ज्यादा पैसे मांगे हैं डिस्कशन करनी है उनको इसी बात के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करना चाहते हैं हाउ डू यू डू इट

गेट दी आइडिया दोबारा से मैं देखो ध्यान से समझना इसको कि कोई ये सोच गया सर क्या बता ऐसा हो जाता है हर एक मिनिस्ट्री ने पर्टिकुलरली डिमांड रखी होती है कि हमें इतना पैसा चाहिए और हर एक मिनिस्ट्री के ऊपर वो डिस्कशन होगी और एवरी डिमांड को बेसिकली वोट किया जाएगा बजट पास के चौथे वाली स्टेज में वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट में यह सब किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज रिपोर्ट जब यह होता है जब एक एक मिनिस्ट्री के ऊपर वोट किया जाता है सो so अपोजिशन के पास कुछ टूल्स हैं उनको डिस्कस करवाने के या उनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने के विच इज कॉल्ड एज द कट मोशन सो देर इज एन एकॉमिक कट मोशन दर इज अ पॉलिसी कट मोशन एंड दर इज अ टोकन कट मोशन इन तीनों का पर्पज अगेन डेफिनेशन याद रखनी है क्योंकि मैच द फॉलोइंग आ सकता है ठीक है पॉलिसी कट मोशन मतलब कि सारी की सारी डिमांड हटा के एक रुपया कर दो इकॉनॉमी कट मोशन एक स्पेसिफिक कट कर दीजिए पचास हजार में से दस हजार करोड़ कम कर दीजिए और टोकन का मतलब जितनी भी डिमांड है उसमें से सौ रुपए हटा दीजिए बट दीज आर ओनली टेक्निकली डन डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इसका अगर कोई और इसकी यूटिलिटी नहीं है क्योंकि अगर ये एक्चुअली में पास हो जाएंगी तो बेसिकली इसका मतलब गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में दिल वी फाइंड नाउट ठीक है अच्छा अब देर इज ए पर्टिकुलरली नंबर ऑफ फिक्स डेज होते हैं एक दिन दो दिन चार पाँच छः सात आठ दिन जिस दिन यह वोट ऑफ ग्रांट होते हैं बट सपोज करो कि लास्ट दिन आ गया और अभी दस पंद्रह डिस्कशन के लिए बचे हुए राइट वेल ऑन दैट डे स्पीकर विल बेसिकली पुट ऑल रिमेनिंग डिमांड्स टू वोट उस दिन अब लास्ट दिन है मतलब पहले से ही असाइंड है कि वोट ऑन ग्रांट जो है कितने वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट कितने दिन की होगी तो एक दो तीन हफ्ता रख लो कितना भी रख लो पर अगर लास्ट डे पे कितनी भी बची हुई हैं सो उन सबको इकट्ठा वोट के लिए डाल देंगे ये हम कर चुके हैं राइट वी हैव डन इट इट्स बेसिकली कॉल्ड एज द गिल मतलब विदाउट डिस्कशन अगर किसी बिल को या किसी डॉक्यूमेंट को पास करना होता है लोकसभा को वंस दैट इज डन दो चीजें होती हैं इन सारी डिमांड ऑफ ग्रांट को अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर कंक्लूड कर दिया जाता है ठीक है क्योंकि एक ने पैसे मांगे हैं पार्लियामेंट से कि हमें चाहिए पचास हजार करोड़ रुपए से कोई भी पैसा विद्रॉ नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रियशन मेड बाई लॉ सो यह सारी की सारी डिमांड एक अप्रोप्रियशन बिल में लिखी जाती है एंड दैट इज बेसिकली डिमांड ऑफ ग्रांट्स आर वोटेड एंड पास बाय द लोकसभा एक अप्रोप्रिएशन बिल आता है टू प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रियशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ ऑल द मनी रिक्वायर्ड टू मीट देखो बहुत ही सरल है दिखाता हूं आप लोगों को

डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने क्या क्या माना है रेवेन्यू कितना है क्या क्या कैपिटल खर्चा है अब यहां पे चार्ज भी लिखा हुआ है कि भाई दिस वन सी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पे कुछ चार्ज्ड खर्चा है इसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट वाली वोटिंग होगी एंड सारी की सारी मिनिस्ट्री के जो भी डिमांड ऑफ ग्रांट थी डिमांड थी जितनी भी थी मिनिस्ट्री ऑफ कोल डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड ऑल दैट सो यह सबके सेपरेटली इलेक्शन कमीशन लॉ एंड जस्टिस इनकी सेपरेटली पहले डिस्कशन हुई लास्ट डे वाले दिन अगर कुछ बची हुई है तो सारी की सारी इकट्ठे करके वो गिल्लेटिन कर दी जाएंगी एंड देन ऑल ऑफ देम वुड बी कंबाइंड इन दिस अप्रोप्रिएशन बिल एंड दिस वुड बी पास दी लोकसभा मनी बिल सो दिस मतलब टेक्निकली कैन बी डिस्कस बाय द राज्यसभा they, इसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल नाव इसी की तरह एक दूसरा होता है फाइनेंस बिल ये तो अप्रोप्रिएशन बिल है जो गवर्नमेंट को पैसा निकालना है ठीक है फाइनेंस बिल के अंदर दूसरी चीज होती है पॉलिसी रिलेटेड टैक्स कुछ बढ़ा है टैक्स से रिलेटेड कोई नए प्रोविजन आए हैं बजट में वो सारी की सारी चीजें होंगी फाइनेंस बिल के अंदर लिखी हुई, तो उसको भी देख लेते हैं हम एक बार फाइनेंस बिल, ये 2023 का मिल गया सो दिस इज द फाइनेंस बिल ऑफ द 2023, ये बहुत लंबा है वो तो सात पेज का है उसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ

अप्रोप्रिएशन बिल इज पासके अंदर सारी डिमांड ग्रांस लिखी होती है फाइनेंस बिल मीन द बिल ऑर्डिनरी इंट्रोड्यूस इन ईच ईयर टू गिव इफेक्ट टू देंशियल प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर बिल टू गिव इफेक्ट टू सप्लीमेंटरी फिनेंशियल प्रोपोजल ऑफ एनी पीरियड सब्जेक्ट टू ऑल दंडीशन एप्लीकेबल टू दी मनी बिल अब एक बार इसको समझते हैं पहले ये लास्ट स्टेज है इसको पास पास करते इसका मतलब बजट हो गया बट लेट्स रिपीट जो हम यहाँ पे कर रहे थे सो अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर टेकिंग दैट मनी आउट ऑफ इट इसमें जो ग्रांट्स जितनी भी लोकसभा जिसके ऊपर वोट कर चुकी है वो होंगी और इसके अंदर जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो सारी लिखी होती है जब अप्रोप्रिएशन बिल बन जाता है तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की जा सकती है ठीक है अमेंडमेंट पहले भी नहीं की जा सकती है टेक्निकली क्योंकि अमेंडमेंट हो गई तो बेसिकली गवर्नमेंट गिर जाएगी बट यू कैन इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दी वोटिंग ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट टू टू बेसिकली शो योर डर ओवर दी पॉलिसीज कैन बी प्रपोज इन अप्रोप्रिएशन दोनों हाउस में uh, अगर ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ऑल्टर हो जाएगा डेस्टिनेशन सो वी डोंट डू दैट अप्रोप्रिएशन बिल बिकम्स द अप्रोप्रिएशन एक्ट जब इस पर प्रेजिडेंट साइन कर देते हैं कहने का मतलब यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अब गवर्नमेंट पैसा निकाल सकती है फॉर दैट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर द नेक्स्ट वन राइट गवर्नमेंट कैन नॉट विदड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द इनवेट ऑफ दिस बिल तो इसके बिना नहीं कर सकते हैं। अब यूजली क्या होता था दिस टेक्स टाइम यूजअली गोज ऑन टिल द द एंड ऑफ अप्रैल तो पहले जब 28 फरवरी को बजट इंट्रोड्यूस करते थे तो जो ये प्रोसेस है ये होता था अप्रैल तक तो मतलब हमारे पास गवर्नमेंट के पास एक महीना होता था वेर दे डोंट हैव द डोंव दार्लियामेंट प्रोविजन टू स्पेंड द द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऐसे में वो करते थे वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 116 को यूज करते थे टू ओवरकम दिस फाइनेंशियल डिफिकल्टी कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा को बेसिकली परमिस्ट कर रखा है टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस इन रिस्पेक्ट टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर पार्ट है और इस प्रोविजन को बेसिकली वोट ऑन अकाउंट कहते हैं आई थिंक आप लोगों को दिख नहीं रहा रुको मैं दिखाता हूं एक सेकंड के अंदर होल्ड कर जीए. राइट राइट निस प्रोविजन इज बेसिकली वोट ऑन दास्ट आफ्टर दिन ऑन द बजट इज ओवर तो हमने देखा ना कि पहले तो इंट्रोडक्शन था बजट का फिर जनरल डिस्कशन था एंड उसके बाद वोट ऑन ग्रांट था लेकिन ये वोट ऑन अकाउंट क्योंकि पता था होना नहीं है तो वोट ऑन जनरल डिस्कशन के बाद वोट ऑन अकाउंट करवा लिया करते थे जनरली ग्रांटेड फॉर दू मंथ्स फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू दी वन सिक्स ऑफ द टोटल दस्टिमेशन राइट फिर जब बजट पास हो जाता था तो दोनों की दोनों चीजें सिंक में हो जाती थी दिस इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ नाउ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि बजट बेसिकली इकतीस मार्च से पहले पहले पास हो जाता है अब क्योंकि अट्ठाईस दिन हमने पहले से ही उसको प्रीपोन कर लिया है एक फरवरी का कर लिया सो हंड्रेड एंड सिक्सटीन इज टेक्निकली रिडेंडेंट राइट नाउ आर्टिकल लेकिन इलेक्शन ईयर में हंड्रेड एंड सिक्सटीन की जरूरत पड़ती है इन एन इलेक्शन ईयर वेन लोकसभा इज टू बी डिजोल्व और न्यू लोकसभा इज बेसिकली टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड वोट ऑन अकाउंट मे बी टेकन फॉर अ पीरियड फॉर अबाउट थ्री टू फाइव होता क्या है हमारा जो इलेक्शन हमारी मे ठीक है नाइन में लोकसभा डिजोल्व हुई नई बनी नहीं हो, ही होंगे दोनों के दोनों फिर उसके बाद मे 2014 में बनी और उसके बाद मे 2019 में बनी और अभी बेसिकली मे 2024 में बनेगी तो लोकसभा का इलेक्शन ईयर क्या हुआ 2009, 2014, 2015, और लोकसभा नौ इलेक्शन हजार 2024। दो व्हाट उन्नीस और लोकसभा का इलेक्शन हुआ दो हजार चौबीस को अगर फाइनेंस मिनिस्टर आते ईयर तो का बजट होता, होता है क्यों क्योंकि टेक्निकली इन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर दोकसभा जनरली चेंज होने वाली है तो ट्रेडिशनली वो क्या किया जाता है कि इस साल का जो बजट होता है दे डोंट डू मच चेंजेस वो ज्यादा ना चेंजेस वेंजेज नहीं करते हैं एज इनकी मतलब टैक्सेस को बढ़ाना टैक्सेस को रिड्यूस करना दे डोंट डू इट ट्रेडिशनल कन्वेंशनली स्पीकिंग ठीक है कभी जरूरत पड़ती है तो कर सकते हैं दे कैन डू इट दे डिड इट इन दी टू उस समय जरूरत थी नेशनल इंटरेस्ट में किए थे लेकिन कन्वेंशनली uh, नहीं किया जाता है तो ऐसे में क्या किया जाएगा तो यहां पर फर्स्ट बजट को पास करने के लिए क्योंकि अब नई लोकसभा को बजट पास करना है तो यहां पे आएगा वोट ऑन अकाउंट तो दे विल जस्ट टेक आ, क्या कहते हैं कि अप्रैल से लेके मई या जून तक का या जुलाई तक का तीन से चार महीने या पांच महीने की जरूरत के हिसाब से वो वोट ऑन अकाउंट पास कर लेंगे बजट पास नहीं होगा बजट बेसिकली नई लोकसभा बनेगी देन इट विल पास दी न्यू बजट टू थाउजेंड सेवेंटीन ऑनवर्ट बजट सेशनियन बजट इज प्रेजेंटेड तो यही प्लान था वोट ऑन अकाउंट ना करना पड़े और एक सिंगल अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाए बिफोर दल ईयर तो जब से बजट फर्स्ट डे ऑफ फरवरी से होता है तो वोट ऑफ uh, वोट ऑन अकाउंट इज प्रेजेंटेड इन द इलेक्शन ईयर इंटर इम बजट इज प्रेजेंटेड अब इस बात को भी सुन लीजिए दो वर्ड है यहां पर ध्यान में रखेंगे वोट उंट एंड सेकेंड वीम बजट जो कि आपने अभी भी मेरे सामने सुना इंट्रीम बजट तो ये दोनों के दोनों वोट ऑन अकाउंट पहले तो हर साल यूज होता था मतलब we can use it every year, पर अब यह सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ईयर में यूज होगा और जो इंट्रीम बजट है ये बेसिकली इलेक्शन ईयर का है दिस इज वट द इंट्रीम बजट मीनस की फर्स्ट फरवरी को बजट राधर देन वो फुल ईयर का बजट प्रेजेंट करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ मई या जून तक का बजट प्रेजेंट करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री दैट इज कॉल्ड इज इंट्रीम बजट राइट right? क्योंकि उस साल पूरा का पूरा बजट नहीं होगा डिपेंडिंग की नई लोकसभा बनने वाली है तो नई लोकसभा फिर आके खुद बजट बनाएगी जनरल जिसमें लोकसभा में होते हैं बजट इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट जनरल जब खत्म हो जाते हैं जब नई गवर्नमेंट और नई लोकसभा बन जाती है तब रेगुलर बजट आएगा पार्लियामेंट पे जो भी नई गवर्नमेंट उस समय प्लान कर लेती है ठीक है देन अप्रोप्रिएशन बिल के बाद नॉर्मली जो जनरल ईयर की बात कर रहे हैं द फाइनेंस बिल दैट द बिल ऑर्डिनरली इंट्रोड्यूस्ड इन दी ईच ईयर यह हम कर ही चुके इसके अंदर सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं आपको मैंने बिल फाइनेंस बिल दिखा भी दिया है तो यू विल गेट दैट अनलाइक द अप्रोप्रिएशन बिल द अमेंडमेंट्स कैन बी मूव इन द केस ऑफ द फाइनेंस बिल कैन बी मेड ठीक है कैन बी नाउ दिस इज जस्ट अ प्रिलिमस टेक्निकलिटी अप्रोप्रिएशन बिल में ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग चल रही है जिसकी हमने वोट कर चुके हैं सारी मिनिस्ट्री की वोट कर चुके हैं तो हेंस जब अप्रोप्रिएशन बिल बन जाता है No amendments are technically allowed on it. Okay? That is it. Nothing else can be done. In the context of the finance bill, there is a small technicality that exists, or from a prelims nuance, you can say, that an amendment can be moved in the case of the finance bill. Government can accept it. So, a member can discuss matters related to administration, local grievances, monetary, financial policy. फाइनेंस बिल मस्ट भी इनेक्टेड बाई दार्लियामेंट एंड असेंटेड विद इन सेवेंटी फाइव डेज पिछहत्तर दिन के अंदर अंदर जब बजट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद इसको कर लेते हैं ये वाला दिस लीगलाइज इज द इनकम साइड ऑफ द बजट एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ़ द बजट दैट माई फ्रेंड इज वॉट बजट एक्चुअली वॉट सपोज टू बी ना माई फर्स्ट जजमेंट इज दैट इट्स स्लाइटली हार्ड रिलेटेड टू अदर टॉपिक थोड़ी सी टेक्निकलिटी है सो आई एम नॉट कि ये बेसिकली पहले के पहले दिन पूरा पूरा आ जाएगा बट इफ यू गेट द बेसिक स्ट्रक्चर इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ द डिटेल्स टूडे तो हमें विद इन वन और टू वीक्स अगर हम इसको रिवाइज करेंगे तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं आई आर राइट और एम आई राइट आई थिंक आई एम राइट ठीक है फिर सुबह से छोटे छोटी और बातें करते हैं फाइनेंस बिल होता है दो तीन और चीजों को क्लैरिफाई करते हैं ठीक है वट इज द फाइनेंस बिल द फाइनेंस बिल इज बेसिकली काइंड ऑफ अ मनी बिल मनी बिल आर्टिकल हंड्रेड एंड टेन मेंवर्मेंट ने क्या क्या स्ट्रक्चर में कौन -कौन चेंज करने की सोची है एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस होंगे वो सारे के सारे पार्लियामेंट को दिए जाते हैं एंड थ्रू दिस बिल इस बिल के अंदर ऑल्सो कंटेन एक्सप्लेनेशन ऑफ दोवीजन इंक्लूडेस बिल कैन भी इंट्रोड्यूसियसली रीजन बिग इट इज अनी बिल

So, ये बजट का ये पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा दिस इज द एक्सपेंडिचर बजट दिज तीन चीजों का मैंने आपको बताया था एक तो रिसीट बजट एक एक्सपेंडिचर बजट और उसके बाद एक डिमांड ऑफ द ग्रांट वाला बजट बजट तो एक्सपेंडिचर है इसमें ना सिंपल सिंपल चीजें डिटेल दे रखी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वाली जो मिनिस्ट्री है उसका रेवेन्यू उसका कैपिटल टोटल एंड द बेसिक डिटेल्स बजट प्रोविजन नेट ऑफ रिसीट्स एंड सो ऑन एंड ऑट नाउ सिमिलरली एक हमारा रिसीट बजट होगा एक्सपेंडिचर का मतलब हर मिनिस्ट्री को कितना खर्चा करना है रिसीट का मतलब हर मिनिस्ट्री के पास कितना पैसा मतलब गवर्नमेंट के पास नॉट मिनिस्ट्री वाइज नहीं लिखा होगा इसमें ठीक है काफी लंबा है दिस इज देखो ये गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स रेवेन्यू कितना है सारी की सारी डिटेल टोटल जीएसटी कितना है सो ऑन एंड ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू टोटल गवर्नमेंट के पास कितना आया है टोटल रेवेन्यू रिसीट कितनी है टोटल डेट रिसीट कितनी है एंड देन दिल बी कहा गया डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट समरी ऑफ द डिमांड फॉर द ग्रांट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर ने कितने पैसे मांगे हैं काफी लंबा डिटेल है भाई बहुत सारे करोड़ रुपए मांग रखे हैं इन्होंने तो

साल के स्टार्टिंग में फर्स्ट फरवरी को बजट आ गया एक मिनिस्ट्री ने पर्टिकुलरली पैसे मांग लिए बट व्हाट हैपन्स अगर साल के बीच में उनको और पैसे की जरूरत पड़ जाए हर साल का एस्टिमेट सेम नहीं रह सकता वेल इन दैट केस दे कैन आल्सो बी गिवन सप्लीमेंट्री ग्रांट इट इज बेसिकली ग्रांटेड वन दी अमाउंट ऑथोराइज बाई पार्लियामेंट थ्रू द अप्रोप्रिएशन फॉर द करंट फाउंड इज फाउंड टू बी बफिशियंट फॉर दैट ईयर तो अप्रोप्रिएशन बिल में लिखा हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को पचास करोड़ रुपए देने हैं

कि सप्लीमेंट्री में ना वही खर्चा ज्यादा पड़ गया है एडिशनल में समथिंग न्यू ऑर स्टार्टेड कुछ नया ही प्लान स्टार्ट हो गया था साल के बीच में भी तो कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एनी डिफेंस और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे वुड सिंपली नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग न्यू इफ दे डू समथिंग न्यू इन द मिडल ऑफ द ईयर एंड दे नीड मनी वेल दैट वुड बी डन बाई एक्सेस ग्रांट इज ग्रांटेड द मनी हैज बिन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड ऐसा भी हो सकता है लिए थे हमने दस हजार करोड़ समझ के सेम सर्विस पे हो गए ज्यादा पैसा खराब सो वी विल एक्चुअली एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अमॉन्द रेसिकलीफ अ ब्लैंक चेक मतलब इसमें यह वोट ऑफ द क्रेडिट यह है कि अमाउंट नहीं बताया जाएगा वी विल नॉट टेल यू दी हाउ मच मनी वी नीड बट वी नीड मनी सो यू कैन डू वैन अकाउंट ऑफ द मैग्नेट्यूड इनडेफिनेट कैरेक्टर आ गया

ओके एक लास्ट आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट वाला हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास ऑफिशियली प्रकार से तीन अकाउंट है ठीक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड द दंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये जितना भी जो बजट जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ऑल दैट थिंग जो भी अभी हमने पढ़ा दैट इज रिलेटेड टू दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसमें से पैसा खर्चा करना है और वो पार्लियामेंट की परमिशन के बाद ही कर सकती है गवर्नमेंट एंड दैट इज वाई वी हैव टू डू दिस ऑल बजट अप्रोप्रिएशन एंड द फाइनेंस बिल क्योंकि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा करती है नाउ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये भी इट्स हाउ डू आई से सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज बेसिकली द बैंक अकाउंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ठीक है जितना रेवेन्यू आता है वो इस अकाउंट में चला जाता है एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया हियर द गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज ए बैंकर टू पीपल मतलब इसके अंदर जैसे कि पेंशन फंड का पैसा है तो हम जब पेंशन जमा कराते हैं गवर्नमेंट के पास तो दैट मनी इज बेसिकली स्टोर्ड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अब वो पेंशन फंड का पैसा है मतलब दैट इज दैट दैट विल बी गोइंग बैक टू दी पीपल वो लोगों का पैसा है तो लोगों के पास वापस जाएगा स्मॉल सेविंग्स फंड का पैसा है तो वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है क्योंकि वो पैसा वापस भेजना होता है गवर्नमेंट के uh, क्या नाम है लोगों के पास सो दैट इज गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज ए बैंकर टू द पीपल एंड कंसोलीटेड फंड ऑफ इंडिया इज बेसिकली बैंक अकाउंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इसमें से खर्चा करने के लिए पार्लियामेंट से परमिशन चाहिए यहां पर पैसा एक्चुअली में लोगों का ही है लोगों को ही बिलोंग करता है उनको ही देना है तो पार्लियामेंट से परमिशन नहीं चाहिए एग्जीक्यूटिव और दवर्नमेंट कैन यूज दिस मनी बट देसली कैन डू इट विदाउट दमिशन ऑफ दी फंड ऑफ इंडिया इट इज जस्ट बेसिकली इमरजेंसी दर इज सम इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अभी पार्लियामेंट से जल्दी जल्दी बात नहीं कर सकते हैं सो so, हमें कुछ पैसा चाहिए सो वी कैन एक्चुअली में इन सुपर इमरजेंसी वी कैन टेक इट फ्रॉम कंटिजेंसी सो कमिंग टू द मेन पॉइंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का जितना भी रिसीट्स है रिसीट मतलब कि जितना भी रेवेन्यू आता है जितना भी पैसा उनके पास कलेक्ट हो रहा है सो दैट इज ऑल डिपोजिटेड इन द कंसॉलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया ठीक है सारे के सारे ऑल रेवेन्यू रिसीव बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट जब कोई लोन रेज करती है ऑल द लोन रेज बाई द गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स लोन्स गवर्नमेंट इन द रीपेमेंट ऑफ द लोनोलिडेटेड इंडिया ठीक है पे करती है तो जितनी भी ऑथोराइज पेमेंट होती है वो सारी की सारी इस फंड में से की जाती है और इस फंड में से पैसा नहीं निकाला जा सकता अनटिल एंड अनलेस अप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो रखा हो अप्रोप्रिएशन बिल नहीं पास हो रखा हो तो ज टू बी डन इन दन पार्लियामेंट्री लॉ एंड्रोप्रिएशन बिल हैजू बी पास इन दजट बजट की सेकेंड लास्ट स्टेज होती है दूसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इसके अलावा ये रेवेन्यून्यू के अलावा गवर्नमेंट की कोई भी पब्लिक मनी जो होती है अदर देन दोच आर क्रेडिटेड उसको बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रखती है जैसे कि प्रोविडेंट फंड के डिपॉजिट हो गए जुडिशियल डिपॉजिट सेविंग बैंक डिपॉजिट डिपार्टमेंटल डिपॉजिट ऑल दीज थिंग नाउ दिस वन इज बेसिकली not under the control of the parliament. this is done under the executive action. this is done by the executive. the payment from this account can be made without parliamentary appropriation. such payments mostly in the nature of the banking transaction, kind of like government is acting as a bank. and then the one last is the contingency fund of india. constitution authorizes the parliament to establish a contingency. उसका जो अमाउंट है वो बेसिकली पार्लियामेंट डिसाइड करता है टाइम टू टाइम डिटरमाइंड बाय लॉ पार्लियामेंट लोकसभा बिल पास कर देती है और उसमें कितना पैसा होना चाहिए दैट इज डिसाइडेड बाई पार्लियामेंट नाउ दिस फंड इज टेक्निकली अवेलेबल विद द प्रेजिडेंट एंड उनको बेसिकली मतलब इसमें से खर्चा लेने के लिए दे नॉट है पार्लियामेंट प्रेजिडेंट कैन एक्चुअली डू इट ठीक है पेंडिंग इट्स ऑथोराइजेशन बाई दार्लियामेंट बाद में मतलब की दे केन यूज इट एंड देन लेटर ऑन दे कैन टेक दमिशन फॉर्म दार्लियामेंट फंड

सबसे पहला हमारा कंसोलिडेटेड फंड हो गया दूसरे वाला हमारा पब्लिक अकाउंट हो गया और तीसरे वाला हो गया हमारा कंटिनसी फंड कंसोलिडेटेड फंड के अंदर सारा का सारा रेवेन्यू आएगा हमारा जितना भी रेवेन्यू है ठीक है रेवेन्यू के रिसीट एक्सपेंडिचर नॉन टैक्स जितना भी है इंडियन hmm, गवर्नमेंट और जो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट ये जितना भी रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करती है नॉन टैक्स पैसा कलेक्ट करती है इनडायरेक्ट टैक्सेस से आया हो चाहे वो पैसा बारो किया हो लोन लिया हो गवर्नमेंट ने कहीं से वो सारे के सारे यहीं से होंगे कंसोलिडेटेड फंड से कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया जो सॉरी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट्स दीज एंड रिपोर्ट्स टू दी रेलिवेंट लेचर सो कंसोलिडेटर फंड ऑफ इंडिया को ऑडिट करता है कैग और वो लोकसभा और राज्यसभा को उसकी डिटेल देता है और बाकी कंसोलिडेटर फंड ऑफ स्ट्स की सारी अट्ठाइस की अट्ठाइस स्टेट्स का भी कैग ही करता है और वो उनकी विधानसभा को बेसिकली उसकी डिटेल दे देते हैं बजट के अंदर फिर दोबारा से एक बार रिपीट करें हम रिवाइज के लिए दो प्रकार के फंड होते हैं चार्ज्ड अपॉन दसोलिडेटेड फंड इन द सेकेंड वन इज द मेड ये जो चार्ज है ना इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है ये वो चीज नहीं करना लोकसभा को बाकी सारा का सारा जो बजट है जो अप्रोप्रियशन बिल है

कंसोलिडेटेड फंड ऑफ क्टिव स्टेट्स देती हैं पर उनकी पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है पता नहीं किस खुशी में आई है ऐसा क्यों कर रखा है इन्होंने बट ठीक है चल रहा है श्रद्धा इनकी कैग के सारे सैलरी पेंशन जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यूपीएससी मेंबर्स के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ओके ऑल ऑफ दैट क्वेश्चन अगर बनता है प्रीलिम्स में तो मैं जहां तक बताऊं तो ये बनता है ये ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है

टरी फंड पब्लिक अकाउंट जितना बाकी पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर आ जाएगी ठीक है मनी रिसीवड बाई द इंडियन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंडिट्स गवर्नमेंट के लिए हम कर देते हैं सो नेचर ऑफ द फंड ऐसी है कि इसमें इंडियन पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती है फॉरगेट अबाउट दीस थिंग्स नॉट गेट ओवर अब हमारे ना एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है नॉट मॉच एक्चुअली में विच इज जस्ट दिन रिलेटेड टू दार्लियमेंट टॉपिक वंस व्यू आर डन विद्सटीलिटी इन्वॉल्व एनी ह्यूज टेक्निकलिटी इन्वॉल्व मतलब बाकी सारे के सारे ना वर्बल और वर्बोज टॉपिक्स हैं सो वी जस्ट हैल्ट एज फार एज आई बिलीव